रोहित शर्मा आप ऐसे करो, ऐसे नहीं किया। रोहित शर्मा है ना, चौकी कौन सी लगती है तुम्हारे को? कैसे कॉलोनी चौकी में सामने बात सुनो भाई, एक एप्लीकेशन अगर नहीं लिखवाई तो बात है, इधर लिखवा दो यार चौकी सामने। सेकंडली इसकी पोस्टमार्टम अभी हमको हुई है, पांच बजे बात कर लो, वो कागज तैयार कर लो, तुम कागज तैयार कर लो, तुम इनकी एप्लीकेशन और वो बात जरूर लिखवाओ भी था। हां अरे वो सर ये मामला ये था जी, पहले फिलहाल तो हम दोनों भाई घर नहीं थे जी, ठीक है। मम्मी के थोड़ा सा हल्का सा पेट में दर्द हुआ और थोड़ा सा छाती में दर्द हुआ, तो दो हमारे पड़ोस में जो पड़ोसी थे दो लड़के मम्मी को लेके आ गए यहाँ पे, तो मम्मी को एडमिट किए के बगैर भी उन्होंने पूछा भी, मम्मी बोली कि मेरे को ना डॉक्टर को बोल भी, मेरे को तो ज़्यादातर ना चक्कर आ जाते हैं और बीपी बढ़ जाता है, टीका लगवा दे मैं ठीक हो जाऊँगी। जब वो मौजूदा डॉक्टर वहाँ पर था नहीं, पर उसके बाद आधा पौने घंटे बाद जब मम्मी का पूरा दर्द बढ़ने लग गया, उसकी जान चली गई, तो उसके बाद डॉक्टर साहब आया, कहता मैंने इसको चेक किया था तो इसके अंदर तो जान नहीं थी, और जब उसके अंदर जान थी, जब इसको यहाँ अंदर ले गए तब उसके अंदर बिल्कुल पूरी जान थी, अच्छी तरह बोल रही थी। तो उसके बावजूद मैंने डॉक्टर को बोला, मैं ऐसे कर डॉक्टर साहब आप जो भी डॉक्यूमेंट बनानी है आप बना लेना, मैं मम्मी को ले जाके और दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाता हूँ। कहता ऐसे नहीं लेके जाया पाएगा, बोले नहीं मैं तो लेके जाऊँगा मेरी मम्मी को, मैं अपनी तसल्ली कराऊंगा। कहता ऐसे कैसे लेके जाऊंगा, कहते तेरे को थप्पड़ मारूंगा, और ये थप्पड़ बताया वो देख रहे ऊपर थप्पड़ बताया जो उसके ऊपर, ये चौकी के कर्मचारी भी वहीं खड़े थे, पुलिस के कर्मचारी वहीं खड़े थे, उन्होंने ये नहीं कहा अगले को तू थप्पड़ क्यों बता रहा है, तेरा मतलब क्या थप्पड़ बताने का, ठीक है। किसी ने उसको कुछ नहीं कहा और वो लेके अंदर चला गया, यही बात हुई। उसके बाद जो भी जो कुछ हुआ है इसकी डॉक्टर की वजह से ही, और जो भी मम्मी मरी तो डॉक्टर की वजह से ही मरी है। जब ये ले क्या था तकरीबन घंटे डेढ़ डेढ़ सवा डेढ़ डेढ़ घंटा डेढ़ घंटे बाद डेथ हुई थी इनकी, बिल्कुल नहीं संभाला था उन्होंने, शुरुआत से नहीं संभाला उन्होंने, बस आए लिटा दिया और थोड़ा बहुत चेक किया, कहता कोई बात नहीं डॉक्टर साहब आ रहे करते हैं, ठीक है ना, कोई इंजेक्शन दिया, कहता डॉक्टर साहब आएंगे, और डॉक्टर साहब फोन में बिजी ऐसे हुए कि डॉक्टर साहब एक घंटे बाद आए, जब आए जब मेरी मम्मी की डेथ हो चुकी थी तब डॉक्टर साहब आए, जब आए तो वो बोला भी इसको ये है इसके अंदर सांस नहीं है, ये खत्म हो चुका है। मतलब ऐसे कहते खत्म हो चुके, खुद मम्मी मेरी बोल रही है कि मेरे ना छाती में दर्द है, मेरे को टीका लगवा, अगर तू मौके पर इलाज करता, अगर मौके पर ट्रीटमेंट चालू कर देता तो क्या होता मेरी मम्मी बच जाती, बचना ना बचना वो मुकद्दर की बात थी, डॉक्टर का तो फर्ज बनता था मेरी मम्मी का ट्रीटमेंट करने का। डॉक्टर का तो नाम रोहित शर्मा जी, डॉक्टर का पूरा नाम। अभी देखिए आपके सामने है मामला, में एक लेडीज का ध्यान तो हुआ है और उसमें डॉक्टर के ऊपर एलिगेशन है कि उन्होंने ट्रीटमेंट ठीक नहीं किया, तो अभी इनकी बात को हमने सुना है और हमने यहाँ के जो फुटेज हैं वो चेक करने के लिए चौकी इंचार्ज को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं। परिवार वाले कह रहे हैं कि जी ये जो लेडीज़ थी ये बीमार थी और इसकी अच्छी तरह ट्रीटमेंट नहीं किया, तो ये आरोप डॉक्टरों पर लगा रहे हैं। वी आर इन्वेस्टिगेशन द मैटर।